दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 का कर दिए ऐलान और धोनी ने टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किए हैं जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैरान हो गए हैं। तो आखिर दोस्तों धोनी ने टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दिए हैं, साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह भारतीय टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून से 11 जून तक खेला जाना है, जो लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 फाइनल मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो अपनी कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में भारत को चैंपियन बनाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए भारत की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलते दिखाई देने वाले हैं, जहां शुभमन गिल काफी बेहतरीन फॉर्म में है और ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के साथ साथ आईपीएल में भी ताबड़तोड़ पारियां खेले हैं। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इनसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेलते नजर आएंगे, जो कि टेस्ट फॉर्मेट के काफी बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। दोस्तों हाल ही में खेले गए रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली खेलते दिखाई देने वाले हैं और दोस्तों आईपीएल 2023 में विराट कोहली का काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। वहीं पांचवे नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे के खराब प्रदर्शन की वजह से इनको भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में खेले गए रणजी ट्रॉफी और आईपीएल 2023 में इनके शानदार प्रदर्शन की वजह से इनको एक बार फिर से भारतीय टीम में खेलने को मौका मिला है। वहीं छठवें नंबर पर केएस भरत खेलते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में केएस भरत बड़ी पारी तो नहीं खेले थे, लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी प्रदर्शन करने में अपना पूरा योगदान दिए थे। जबकि सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा और आठवें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों इन दोनों का ही आईपीएल 2023 में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं नौवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों दसवें नंबर पर मोहम्मद शमी और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। और दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से भारतीय टीम की क्या रहनी चाहिए प्लेइंग 11, हमें कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें।